एवेन्यू स्टूडियो के फ्लोर नंबर 3 में होने वाली एक्सबंदी में अदाकार शफकत चीमा, नवाज खान, बाबर भट्ट समेत एक्स्ट्रा फनकारों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। लॉलीवुड के सीनियर फाइट इंस्ट्रक्टर कैसर मस्ताना ने सीन पिक्चराइज कराए। सीन्स के लिए 2 कैमरों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक कैमरा सैयद नूर खुद चलाते रहे। अदाकार शफकत चीमा, बाबर भट्ट और एक्स्ट्रा फनकारों के दरमियान इस कदर गोलियां चली कि स्टूडियो गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कैमरे एक्शन डाउन। सैयद नूर का कहना था कि उन्होंने बहुत कम वक्त में फिल्म की शूटिंग्स मुकम्मल की हैं। 10 रोज तक वो फिल्म का कैमरा क्लोज करके तकनीकी कामों का आगाज करेंगे, क्योंकि फिल्म को ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए पेश करना है। इम्तिहान से हम करीब करीब गुजर चुके हैं। फाइट सीन पिक्चराइज कराने में मसरूफ फनकारों का कहना था कि वो बड़ी मेहनत से फिल्म में काम कर रहे हैं। सैयद नूर की ये काविश फिल्म इंडस्ट्री के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। ईद पर 4 फिल्में रिलीज हैं, जिसमें पोलाइश तैयारी है, दिल्लियाँ लगियाँ हैं और गुजरना खड़ाक है और ये शरीका है। सारे अपने अपने फूल हैं, अपने अपने फूलों की अपनी खुशबू है। फिल्में अच्छे तरीके से बने, शौक से फिल्में बने, अच्छे सब्जेक्ट बने, तो इंशाल्लाह जो हमारी खुशियाँ चली गई हैं वो दोबारा वापस लौट के आ सकती हैं। लॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर तसलसल के साथ फिल्में बनने का सिलसिला शुरू हो जाए तो कोई शक नहीं कि जवाल का शिकार ये इंडस्ट्री दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो सकती है। कैमरामैन शुएब सफदर के साथ जैन मदनी, सिटी 42।